मैंने अम्मी और दादी को समझाने की कोशिश की कि तुमने जो कुछ किया भूल में किया, जानबूझ के नहीं किया, और तुम आइंदा ऐसा नहीं करोगी। ये वादा तो मैंने भी उनसे किया था, इसका मतलब उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। और फिलहाल उन्हें तुम्हें माफ करने का मूड भी नहीं है। मैं दोबारा सॉरी कह देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैंने कहा ना, वो भी बहुत अपसेट है। दो तीन दिन इंतजार कर लो, उनका मूड ठीक हो जाएगा, फिर सॉरी कह देना। अच्छा, देखो जारा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे होते पे तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं डर नहीं रही, मैं परेशान हूं। मैं कभी तुम्हें नाराज कर देती हूँ, कभी घर वालों को। देखो, तुम मेरी नाराजगी की बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं तो वैसे भी तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। हाँ, लेकिन बाकियों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने लगी। सारा, मेरी बात मानो, तुम आज कमरे से बाहर मत निकलना। क्यों? वो सबका गुस्सा अरूज पर है ना। तो अच्छा है ना, कहने सुनने से सबकी भड़ास निकल जाएगी। वैसे भी तो सब मुझसे बड़े हैं। मुझे लगता है इस बार कहने और सुनने से सिर्फ भड़ास नहीं निकलेगी उनकी। तो तुम्हें याद है ना, पप्पू ने शहना की कैसी पिटाई की थी? हाँ, उसने बताया था कि पप्पू बहुत जोर से बाल नोचती हैं। और जो दादी ने कस कस के मेरे मुंह पे चपेड़े मारी थी, दो दिन तक निशान नहीं गए थे। हाँ, तभी दादाजी ने कहा था कि उनकी सेहत कितनी अच्छी हो गई है, गाल बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गए। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बार तुम्हारे गाल टमाटरों की तरह लाल हो जाए। पप्पू तो काट खाने के चक्रों में है, तुम कहीं उनसे माफी मांगने ना चली जाना। इरादा तो यही है। अरे दफा करो ऐसे इरादे को, इस वक्त उनके पास जाना शेर की कचार पर हाथ डालने के बराबर होगा। तुम फिर क्या करूं? तुम ऐसा करो, सरदर्द का बहाना बना दो और मेरे घर वापस आने तक ना कमरे से बाहर मत निकलना, वरना मेरी गैर मौजूदगी में दादी और पप्पू ने कहीं तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, जारा, जारा, जारा! हाय हाय, की होया? एक ही होया, एक ही होया। खैर ते है, खैर पुत्र, खैर ते है। दादी, जारा कहाँ है? पुत्र आते हैं नारे, तू तो बड़का मार मार के, जारा जारा, खैर ते है? खैरियत है भी दादी और नहीं भी है। हाय मैं मरता दास, खैर ते है ना? दादी, दरअसल मुझे आदत सी हो गई है ना, मैं जब भी ऑफिस से वापस आता हूँ, मैं सबसे पहले जारा का ही चेहरा देखता हूँ। अब्बू नहीं है तो बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत खाली खाली सा, अधूरा सा। मुझे ऐसे लग रहा है मेरे जज्बात के साथ आंख में चोली खेल रही है। इधर आए ना, इधर आ बे शर्मा, वे अन्ने फरे हो गए मैनू इतने चौकीदारी कर दिया तेरी। मेरा पुत्र चल है दफ्तर, धुप है, टोपी पाई है कि नहीं पाई, बारिश है, छतरी लेके चला है कि नहीं, दफ्तरों आया है, खाना खाता है कि नहीं खाता। मेरी चौकीदारी की तो तुझे आदत नहीं पड़ी है, दो महीने भी आई हुई जारा टटीरी की, तेन आदत पै गई, जख्मियां लानता नहीं तेरे उत्ते, नाल मेरे उत्ते, सारी अपनी हयाती गिला छोड़ी मैंने। दादी टांगे दबा दो, मैं आपका सर दबा देती हूँ। आख्या ना मुझे कहीं पीड़ नहीं है। चलें फिर बातें करते हैं हम दोनों, ठीक है? ये चूड़ियां कहां से ली आपने? वाव वाव,
ये रिंग कितनी खूबसूरत है, किसने दी आपको? ये ना मेरी ताई सास ने दी थी मुझे। वो कोई हमारे वेड़े में कोई कमन्यानी आती थी ना कि तंदूर तो पान वास्ते बीबी थोड़ी जी मनचिट्टी दे दे, वो भी नहीं किसी को देती थी, उसने मुझे ये दी है, मैंने तब से संभाल के रखी है। बहुत खूबसूरत है, मानी कैसी मेरी? अम्मा चाय? हुस्ना, मुझे लगता है हमने जारा के खिलाफ ना अपना ज्यादा ही दिल मैला कर लिया है। सही कह रही हैं आप अम्मा, मैं भी रात को यही सोच रही थी कि मैंने शायद कुछ ज्यादा ही महसूस कर लिया। बच्ची है वो, ना समझ है। अब एक ना हम छोटे बच्चों को डांटते हैं, पहले मुंह सजा के फिरते रहते हैं, फिर आप ठीक हो जाते हैं। अब अपना ओन है, किन्ने नखरे दिखाता है। इस बेचारी ने दिखा लिया तो क्या हुआ, ये भी तो हमारी दी है ना। चलें आप चाय पिए। शुक्र है दादी का मूड तो ठीक हुआ। अब अल्लाह का नाम लेकर पुप्पो के पास जाती हूँ। सारा, तुम कल रात दादी से मिलने गई थी? हाँ, और मैंने तुम्हें बताना था लेकिन तुम जल्दी सो गए थे। क्या तुमने दादी से अम्मी की शिकायतें की थी और ये भी प्रूफ करने की कोशिश की थी कि तुम्हारे डैडी तो बिल्कुल मासूम थे, उनके तो दिल में कुछ ऐसा नहीं था, पर फूफो चाहती थी कि ऐसा कुछ हो? नहीं और, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुझे दादी ने बताया था और उन्होंने ये भी कहा था कि तुमने सारा ब्लेम, सारा मलबा अम्मी पर डालने की कोशिश की, कि उन्होंने तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें डाली थी। लेकिन और मेरी तो दादी से इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई, मैं तो खुद अवॉइड कर रही थी कहीं वो नाराज ना हो जाए। मैं जानता हूँ कि तुमने ऐसा नहीं कहा होगा, ये दादी भी ना। लेकिन वो ऐसा क्यों कहेंगी? देखो जारा, ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं, जो जी में आए कह देते हैं। बहरहाल तुम अब दादी से अकेले मिलने से थोड़ा गुरेज करना। हाँ, तुमने उनकी इकलौती लाडली बेटी का दिल दुखाया है, वो किसी ना किसी तरह से तुमसे बदला जरूर लेंगी। मुझे डांट लेती, मार लेती, झूठे इल्जाम तो ना लगाती। दादी दिल की बुरी नहीं है जारा, मैंने कहा ना, इस उम्र में आके सोचने समझने की सलाहियतें थोड़ी मुतासर हो जाती हैं। तुम बिल्कुल दिल पे मत लो। हाँ, प्लीज दादी कुछ तो ख्याल करें, वो इतने बड़े घर से आई है, दर्जन भर नौकर हैं उसके, उसके अबू ने कभी उसे खुद हिलकर पानी तक नहीं पीने दिया, और आप उसे आधी आधी रात तक मुशक्कत करवाती रहती हैं। मुशक्कत कराती थी? की कह रहे हैं? उस बेचारी का नींद और थकन से बुरा हाल था, फिर भी आप उसे ऑर्डर पे ऑर्डर ही देती गई। कभी सर दबाओ तो कभी टांगे दबाओ, कभी फुल बॉडी मसाज दो, ये तो उसकी फरमाबरदारी और अच्छा ही है कि उसने कभी इनकार नहीं किया। लेकिन आपको तो कुछ ख्याल करना चाहिए था ना। हैं? मैंने कौन से ऑर्डर किए हैं? ऑर्डर ही तो किया है आपने दादी, प्लीज कुछ रहम करें उस बेचारी पर। अम्मा ना रोए ना अम्मा, हुस्ना, ये कल की आई हुई कुड़ी है, इसने क्या किया? कल आई मेरे पास, मेरे ना ना करते इसने मेरे सिर में तेल जसा, जाके ओन तो कहती है ये माई तो मेरे पे आर्डर चलाती है, मेरे से खिदमत लेती है, मुझे अपनी निगरानी समझती है।
कितनी मीठी और कुन्नी है ये। अम्मा मुझे तो खुद अब उसकी चालबाजियां समझ में आ रही हैं। वो ऑन के सामने कुछ और है, हमारे सामने कुछ और। हम तो अपनी सादगी में उसकी साजिश को भी मोहब्बत समझ बैठे। मैं तो रात को ये सोच रही थी शायद मैं ही गलत हूं। मैं तो अभी भी यही कहूंगी, ज़ारा नहीं बुरी बल्कि कोई नो कोई बहू नहीं बुरी। ये बुरे होते हैं हमारे पुत्र जो उनके कहने में लग के ना माओ को कान के साथ लगा देते। सही कह रही आप अम्मा, खोर तो मेरी अपनी औलाद में, उसे तो बीवी की हर बात सही मेरी हर बात गलत लगती है। पता नहीं कैसी पट्टी बांध दी है सारा ने उसकी आंखों में। आज सुबह सुबह अचानक हमने कहा इस लेडीज़ में जाके ना उनके पुत्र की शक्ल देख तारिक भाभी जी फिर चला जाएगा ना। भाभी जी आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो आंटी मुलाजमत की। आपको खैर बिस्मिल्लाह। मैं जी उदास हो गई, चंगा हुआ तू आ गया। अम्मा इसका तो सारे के बगैर दिल ही नहीं लगता है। अम्मा आपने सिगरेट पीना शुरू कर दी है। मैं ऐस उम्रे ऐस शौक पालना है। भैया हम भी रात से यही सोच रहे हैं कि आखिर हो किसका सकता है। ओ तो आप लोग मैं भी कहूँ सुबह सुबह इतना शौक। मेरा पुत्र। हाँ मेरा और पुत्र आया इंशाल्लाह जवानी। बड़ा माड़ा हो गया यार तू तो। आप लोग प्लीज अंदर जाके बात करें ना, यहाँ बहुत शोर आ रहा है, हमारे कमरे तक आवाज जा रही है, सारा जी की नींद खराब हो जाएगी। किसकी? मुझे लगता है अंदर जारा की खाला जी आई हुई हैं, उनकी नींद खराब हो रही होगी। नहीं जी मैं जारा जी की ही बात कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज थोड़ा आहिस्ता बोले। हाँ हाँ तो जागने देना, हम उससे तो मिलने आए हैं। कैसे जागने दूं मैं जारा जी को? कच्ची नींद जागने से जारा जी के सर में दर्द होती है। अम्मी आज ना जारा जी के लिए नाश्ते में आलू के पराठे बनाएगा, उनको बहुत पसंद है। जारा जी जी